हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर्स। इस वीडियो में हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को पढ़ना सीखेंगे, जो कि एक बिजनेस स्टैटिक्स और स्टैटिक्स का एक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सीखते हैं कंबाइंड डेविएशन और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाता है। इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स और बीएसटी रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे हिट कर दीजिए, जिससे आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हम सिंपल सा ये समझ सकते हैं कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो किसी भी दो सीरीज के जितने भी ऑब्रिविएशंस हैं, उनके डेविएशंस हैं, उनका कंबाइंड होता है। मतलब कि हमने एक सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना अपनी पिछली वीडियो में देखा था। अब हम जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि दो सीरीज का एक साथ कंबाइंड डेविएशन कैसे निकालेंगे। तो दो सीरीज का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन पहले से दे रखा होगा दोनों सीरीज का, नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी होंगी दोनों सीरीज की हमारे पास, और जो भी हमारे पास मीन वगैरह जो है वो दिए हुए होंगे। तो दोस्तों देखते हैं, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, जो कि मैं यहाँ पर जेके ठकुराल की एक हमारे पास बुक है, उस बुक से हम यहाँ पर वो क्वेश्चंस को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास N1 मतलब कि हमारे पास जो सीरीज है उसका फर्स्ट नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है 90 और जो सेकेंड सीरीज है हमारे पास उसमें नंबर ऑफ टर्म्स दे रखी है 60। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे पास सीरीज वन का मीन दिया हुआ है x bar 1 = 20 और सीरीज टू का x bar 2 मीन दिया हुआ है 15। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज वन दिया हुआ है हमारे पास 8 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू दिया हुआ है हमारे पास 6। क्लियर फ्रेंड्स, ये यहाँ पर हमारे पास 11th की जो स्टैटिक्स है उसमें भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बीकॉम में भी ये टॉपिक आता है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम स्टैंडर्ड डेविएशन के साइन से शो करेंगे, बस यहां पर हम 1 और 2 लिख देंगे, जो कि ये शो करेगा कि यहां पर हम कितनी सीरीज का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे हैं। 2 का निकाल लें तो 2 लिखेंगे, 3 निकाल लें तो 3, 4, 5 यहां पर बढ़ाते चले जाएंगे। तो इसका हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होगा रूट में N1 हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर। मतलब D जो है वो यहाँ पर डेविएशन होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस D2 डेविएशन 2 का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, अपॉन में हमारे पास आ जाएगा N1 प्लस N2। ठीक है, अब अगर 3 दे रखा हो तो आप यहाँ पर फिर प्लस कर लीजिए और यहाँ पर ये जो है वो डॉट डॉट करके जाते चला जाता है एन ऑफ एन टर्म्स, जितनी भी टर्म्स है हमारे पास। ठीक है, और ये भी गोज हो जाता है एन ऑफ एन टर्म्स तक, जितनी भी हमारे पास एन एर्थ टर्म्स दे रखी हैं। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमको देखो क्या चाहिए, हमारे पास एन और एन टू दे रखे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 दोनों दे रखा है, हमको चाहिए डेविएशन। तो डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है D1 = x bar 1 - x। ठीक है, अब ये जो x है ये क्या होता है हमारे पास, ये होता है कंबाइंड मीन। ठीक है, तो कंबाइंड मीन हमको जो है वो कैलकुलेट करना जरूरी है और x बार 1 क्या है, सीरीज 1 का मीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंबाइंड मीन को कैलकुलेट करने देते हैं हम यहां पर। ठीक है, तो कंबाइंड मीन का हमारे पास फॉर्मूला होता है x बार 1 2 से शो करेंगे इसको भी, क्योंकि हम कंबाइंड दो सीरीज का एक साथ निकाल रहे हैं, x बार 1 n1 प्लस x बार 2 n2 अपॉन में n1 प्लस n2। ठीक है फ्रेंड्स, सिंपल है। तो यहां पर x बार 1 हमारे पास 20 दिया हुआ है, n1 हमारे पास 90 है प्लस x बार 2 हमारे पास 15 है और n2 हमारे पास 60 है अपॉन में n1 हमारे पास 90 प्लस 60 है n2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1800 प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 900 अपॉन में ये आ जाएगा हमारे पास 150। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2700 अपॉन में 150। 2700 को 150 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो 2700 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू आ जाएगा 18। तो कंबाइंड मीन हमारे पास जो है वो 18 आ चुका है। अब हम डेविएशन 1 निकाल देते हैं D1, तो D1 का फॉर्मूला x bar 1 - x bar मतलब कि कंबाइंड मीन। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास x बार 1 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x बार की 1 की वैल्यू है 20 माइनस हमारे पास मीन कितना है कंबाइंड 18, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ऐसे ही D2 कैलकुलेट कर लेते हैं डेविएशन ऑफ सेकंड सीरीज,
तो x बार 2 आ जाएगा यहां पर, मीन ऑफ सेकंड सीरीज माइनस कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, तो हमारे पास ये दे रखा है 15 और कंबाइंड मीन है 18, तो हमारे पास ये आ जाएगी माइनस 3 की वैल्यू। क्लियर फ्रेंड्स, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो यहां पर हम देख रहे हैं हमारे पास एन वन की वैल्यू जो है वो 90 दी हुई है, स्टैंडर्ड डेविएशन वन की वैल्यू हमारे पास 8 दे रखी है, तो 8 का हमें स्क्वायर करना है, प्लस डेविएशन ऑफ वन हमारे पास कितना कैलकुलेट होकर आया है 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे हम, फिर प्लस ब्रैकेट क्लोज कर दिया मैंने, प्लस एन टू हमारे पास 60 दे रखा है, देख लीजिए यहां पर ये रहा, और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ टू हमारे पास 6 दे रखा है, उसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, प्लस डेविएशन टू हमारे पास जो है वो माइनस 3 है, तो हमें माइनस 3 का जो है वो स्क्वायर करना है, और ब्रैकेट क्या हो जाएगा क्लोज। तो सेकंड टर्म ही दे रखा है, तो 2 ही लिखना है, आगे एनएफ तक बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसे एन वन मतलब कि हमारे पास 90, एन टू मतलब कि हमारे पास 60, इन दोनों को प्लस कर देना है यहां पर, तो हमारे पास ये वैल्यू जो है वो आ जाएगी 90, ब्रैकेट में इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 88 जा 64 प्लस 22 जा 4 प्लस 66 जा 36 प्लस 33 जा 9 अपॉन में 150। तो ये हमारे पास आ जाएगा अब 90 मल्टीप्लाई बाय 68 प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों का प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 45 अपॉन में 150। तो कर देते हैं इनको मल्टीप्लाई, जरा कितना कितना वैल्यू आती है हमारे पास, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 90 इंटू 68, तो हमारे पास आ जाएगा 6120 प्लस 60 को 45 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 60 इंटू 45, तो ये आ गया हमारे पास इतनी वैल्यू अपॉन में 150। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां पर इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देते हैं इन दोनों को प्लस करके, प्लस 6120 तो आ जाएगा हमारे पास 8820 अपॉन में 150, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा हमारे पास रूट में 58.8, रूट में ये आया हमारे पास। अब इसका रूट कैलकुलेट कर देते हैं, तो रूट कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 7.66। क्लियर फ्रेंड्स, ये आ गया हमारे पास कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, बहुत ही आसान इजीएस्ट वे में आपने इसको जो है वो समझ लिया होगा। अब हम इसके बाद करेक्ट मीन जो है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करना सीखते हैं। तो आप सबसे पहले इसे नोट कर लीजिए, इसके फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, यहाँ पर ये हमारे लिए बेसिकली इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये एक हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है, और एक ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो यहां पर हमें जो है वो लगभग 3 फॉर्मूले याद रखने होंगे, जो कि मैंने सर्कल कर रखे हैं, तो आप उन्हें अलग से लिख लीजिएगा और इसको एक क्वेश्चन के साथ आप एक्सरसाइज कीजिएगा, आपके क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सॉल्व होंगे। तो अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना सीखेंगे, आप इसे नोट कर लीजिए, पॉज वीडियो कर लीजिए।